इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैसेंजर के ऊपर कि मैसेंजर पर आप अपने मैसेज को दोनों तरफ से किस तरह से डिलीट कर सकते हो। अगर आपके सामने डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको करना क्या है और किस तरह से अपने मैसेज को दोनों तरफ से डिलीट करना है। जैसे कि मैंने इस चैट को ओपन किया और हाल फिलहाल में ही मैंने अपनी इन मैसेज को यहाँ पर डिलीट किया दोस्तों दोनों तरफ से। तो मैंने ये भेजा था दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो इसकी टाइमिंग, यहाँ पर देख सकते हो आप कि मैसेज मैंने कब भेजा था और यहाँ पर आप 2023 में भेजा था और मैंने ये आज यहाँ पे अनसेंड किया है। तो मैंने यहाँ पर क्या मैसेज भेजा था तो वो उनको नहीं दिखेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या दिखेगा, अनसेंड यू अनसेंड ए मैसेज, सिर्फ यही मैसेज यहाँ पे दिखने वाला है। अगर आप भी अपने मैसेज को दोनों तरफ से डिलीट करना चाहते हो तो बिल्कुल सही वीडियो पर आपने क्लिक कर दिया। इस वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाना किस तरह से डिलीट करना है और मैसेज करने के बाद आप उसको एडिट भी कर सकते हो और उसको डिलीट भी दोनों तरफ से कर सकते हो। चाहे आपने अपनी गर्लफ्रेंड को गलत मैसेज कर दिया या फिर गलती से किसी और को मैसेज हो गया है, आप किसी और को कर रहे थे, तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा, वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। और वीडियो पर नया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे फेसबुक को देख रहे हैं तो फेसबुक को मेरे को फॉलो कर लेना। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना कुछ देर के, बताते हैं आप किस तरह से अपने मैसेज को दोनों तरफ से डिलीट कर सकते हो। चाहे वो बंदा देख ले उसके बाद भी आप अपने मैसेज को यहाँ पर दोनों तरफ से डिलीट कर सकते हो। तो चलिए हम बताते हैं आपको किस तरह से डिलीट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो अपने फेसबुक मैसेज को ओपन कर लेना है इस वीडियो को देखने के बाद। तो अपने मैसेज को यहाँ पर ओपन कर लिया है, यहाँ पे हमने मैसेज को यहाँ पे भेजा हुआ था। यहाँ पर दोस्तों एक और लेटेस्ट तरीका है कि आपने कितना भी पुराना मैसेज हो उसको भी यहाँ पर आप दोनों तरफ से डिलीट कर सकते हो। चलिए कैसे डिलीट करना है तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये वाला मैसेज है, काफ़ी बड़ा मैसेज है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इन मैसेज को यहाँ पर डिलीट करके दिखाता हूँ दोनों तरफ से। ये है पुराना मैसेज, चलो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अनसेंड ऑप्शन आता है नीचे, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। अनसेंड वाला ऑप्शन जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो अनसेंड फॉर एवरीवन, अनसेंड फॉर यू। अपने तरफ से डिलीट करना चाहते हो तो सिर्फ अनसेंड फॉर यू पर क्लिक करना और दोनों तरफ से यहाँ पर डिलीट करना चाहते हो तो आपको इस पर क्लिक कर देना है अनसेंड फॉर एवरीवन पर। तो चलिए अनसेंड फॉर एवरीवन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर यू सेंड ए मैसेज यहाँ पर हो चुका है, यानी कि ये मैसेज अब उनको भी नहीं दिखेगा कि यहाँ पर ये मैसेज मैंने क्या किया था। तो इस तरह से आप दोनों डिलीट कर सकते हो। चलिए लेटेस्ट मैसेज अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से दोनों तरफ से डिलीट करना है। एक न्यू मैसेज को यहाँ पर टाइप करते हैं, उसके बाद यहाँ पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक बंदा हम ले लेते हैं कोई भी जो कि ऑनलाइन हो, तो यहाँ पर ऑनलाइन तो कोई है ही नहीं, लेकिन चलिए यहाँ पर हमने एक चैट यहाँ पर ले ली है, ये वाली चैट यहाँ पर ले ली है, यहाँ पर हमने मैसेज कर दिया है। तो चलिए यहाँ पर हमने एक चैट ले ली है, यहाँ पर हमने मैसेज कर दिया है। इन बंदों की चैट को ओपन करते हैं, यहाँ पर हमने मैसेज कर दिया है, यहाँ पर नीचे देख सकते हो ये वाला मैसेज हमने मैसेज कर दिया है, हेलो ब्रो। अभी जैसे ये उठाते हैं, सपोज कि उन्होंने यहाँ पे अपने मैसेज को उठा लिया, ये वाला जो आइकन है यहाँ पे आ गया, मैसेज को उठा लिया। अब ये मैसेज आपने किसी और को कर रहे थे, गलती से हो गया, तो आपको करना क्या है, इस पर टाइप करके रखना है, मोर पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एडिट फॉरवर्ड बम्प्स अनसेंड डिटेल्स, तो आपको इस पर अनसेंड पर क्लिक करना है, एवरी फोन क्लिक करना और यहाँ पर ये मैसेज डिलीट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये मैसेज यहाँ पर इन्होंने उठा भी लिया है और ये मैसेज यहाँ पर अनसेंड फॉर यू एवरीवन हो चुका और यहाँ पर टाइपिंग किया है। तो कुछ इस तरह से आप अपने मैसेज को दोनों तरफ से डिलीट कर सकते हो। आप देख सकते हो इन्होंने हमें मैसेज भी कर दिया है। तो दोनों तरफ से मैसेज को इस तरह से डिलीट कर सकते हो, एक ही क्लिक में आप अपने मैसेज को डिलीट कर सकते हो। एक और तरीका बताता हूँ दोस्तों कि आप एक बार में 3-4 मैसेज को भी यहाँ पर अनसेंड मैसेज कर सकते हो। तो किस तरह से करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, इस वीडियो में कमेंट कर देना है, वीडियो में कमेंट कर दीजिए और लेटेस्ट वीडियो में उसके ऊपर बना दूंगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।